हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। वॉट इज द फ्रैक्शन? दो पार्ट हैं इसमें, हमने ऐसा टाइप का सम पहले भी किया है। सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। अब क्योंकि आपको फ्रैक्शन चाहिए, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वाई। अब केस वन में जाते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, दैट इज एक्स प्लस 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दैट इज वाई माइनस 1। A fraction reduces to 1, that is x plus 1 upon y minus 1 is equal to 1. अब आप इसको further simplify कर दो, x plus 1 is equal to 1 into y minus 1, that is y minus 1. So x minus y plus 2 is equal to 0, ये equation बनी। ठीक है, और x minus y is equal to minus 2, करेक्ट। अब सेकेंड केस देखते, इट बिकम्स 1/2 ओनली इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। माने x में आप कुछ ऐड नहीं कर रहे, सो x अपॉन y प्लस 1, x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। देखो x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x is equal to y plus 1, so 2x minus y minus 1 is equal to 0, or 2x minus y is equal to 1, correct? अब आपको दोनों equations मिल गए, अब आपको elimination method use करना है, so this is your equation 1 and this is your equation 2, इसको आप लिख सकते हो x minus y is equal to minus 2, इसको 2x minus y is equal to 1। ठीक है, अब देखो y की टर्म सेम है, सो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, x minus y is equal to minus 2, 2x minus y is equal to 1। अब साइन चेंज करना पड़ेगा, सो माइनस प्लस माइनस, y एंड y कैंसिल हो गया, x minus 2x is what? माइनस x, माइनस 2 माइनस 1 इज वॉट? माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, y उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सो y इज इक्वल टू 5। सो योर फ्रैक्शन x अपॉन y इज इक्वल टू, x कितना है? 3, y इज 5, योर फ्रैक्शन इज 3/5। x एंड y में मत छोड़ देना, आपको फ्रैक्शन ढूंढना है। पूरा मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप x अपॉन y इज इक्वल टू 3/5 लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट, 5 इयर्स अगो, ये भी हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। 5 इयर्स अगो क्या हुआ? आज से 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसमें क्या करोगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है, सो 5 इयर्स अगो नूरी की एज क्या होगी? x माइनस 5 इयर्स, एंड सोनू की क्या होगी? y माइनस 5 इयर्स। सो 5 इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y माइनस 5। देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y माइनस 5। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला? x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि 10 इयर्स लेटर, माने आज से 10 साल बाद, तो एज बढ़ेगी। नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का एज क्या हो जाएगा? x प्लस 10। सोनू का एज क्या हो जाएगा? y प्लस 10।
So 10 years later, Nuri will be twice, that is x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. सॉल्व करोगे तो क्या मिला, x माइनस टू वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब आप क्या करोगे, देखो x के टर्म्स ऑलरेडी है सो आपको कुछ करना ही नहीं है. दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वॉज द सेकेंड इक्वेशन. सो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन एंड x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन. साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस. आप कॉन्स्टेंट टर्म्स को नहीं एलिमिनेट करोगे, आप सोचोगे कि ये तो माइनस टेन और प्लस टेन है इनको कैंसिल कर देते. नहीं, हमें वेरिएबल को कैंसिल करना है, x या y को. समझ में आया, x टर्म गया, माइनस थ्री प्लस टू इज वॉट माइनस वन सो माइनस वाई, माइनस टेन इज वॉट माइनस ट्वेंटी सो वाई इज वॉट ट्वेंटी. नाउ पुट वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी इन टू, या वन में डाल दो, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो वेयर योर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी. ठीक है, तो क्या मिला, x माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सिक्सटी प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी. ठीक है, अब एक और चीज पहले देख, एज ऑफ नूरी, नूरी क्या था x, एज ऑफ नूरी इज 50 इयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज व्हाट, 20 इयर्स. ठीक है, अब देखो ईयर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. अगर आपको एक्स या वाई की वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है मतलब आपने कोई सिली मिस्टेक किया है, फिर से सम चेक करना. ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन. हमने ये भी एग्जांपल देखा था, टू डिजिट नंबर क्या होता है, एक्स वाई. सो एक्स वाई ये क्या होगा, यूनिट डिजिट, ये हो गया टेंथ डिजिट. सो लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड द टेंथ डिजिट बी वाई. ठीक है, सो इसमें एक्स वाई की जगह मैं कोई एक नंबर ले लेती हूं, सपोज 12. ठीक है, ये यूनिट डिजिट हो गया 2, 1 क्या हो गया टेंथ डिजिट. सो लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड द टेंथ डिजिट बी वाई. ठीक है, सो आपका फर्स्ट नंबर एक्स एंड वाई से, वाई एंड एक्स से रिलेटेड होगा क्योंकि टेंथ डिजिट वाई है. तो कंडीशन देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. अब इससे नंबर आपको क्या मिलेगा, ये तो मैंने एग्जांपल बताया. अब टेंथ डिजिट में वाई क्या होगा, 10 इंटू वाई, 10y प्लस एक्स हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर. ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 10y प्लस एक्स. अब 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. रिवर्सिंग मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट में y आ जाएगा, टेंथ डिजिट में x आ जाएगा. देखो रिवर्सिंग द डिजिट्स इज व्हाट, 10x प्लस y. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर माने 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, दैट इज 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस वाई. देखो आया, हमने करेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली. अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ द डिजिट इज 9 दिया था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया. अब आप क्या करोगे, आपको दो इक्वेशन मिली, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज सेकेंड. तो देखो x टर्म सेम है सो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा,
x माइनस एट वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, ठीक है। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, माइनस एट माइनस वन इज वॉट, माइनस 9y, एंड दिस इज माइनस 9, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9, वेयर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल रही हूं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपका क्या आपको मिला, सो फाइंड द नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x विच इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। रिवर्स नंबर क्या था, 10x प्लस y विच इज इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 8 80 एंड 1 दिस इज 81। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड, 18 का ऑपोजिट क्या होता है, 18 का रिवर्स इज 81, आंसर इज करेक्ट। नाउ मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000, ठीक है, उसने बैंक से 2000 रुपए निकालने का चाहा। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, मतलब उसको चाहिए था खाली 50 और 100 का नोट। मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स टोटल इज 25। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपी नोट्स बी वाई। टोटल नोट इज 25, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, शी रिसीव्ड रुपीज 50 एंड रुपीज, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म, जैसे ये आप डिवाइड बाई 50 कर सकते हो क्योंकि 100 एंड 2000 50 के टेबल में आता है, आपको क्या मिला, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, x टर्म ऑलरेडी है, सो 1 इंटू 1 x प्लस y इज इक्वल टू 25, 2 इंटू 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस y, 40 माइनस 25 कितना होगा, 15, माइनस 15 होगा क्योंकि 40 25 से बड़ा है, सो y इज व्हाट, 15, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 15 इन 1 डाल दो, सो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 10, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज वॉट 10 एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज वॉट 15, ठीक है। नेक्स्ट, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि जब आप लाइब्रेरी से बुक लेने जाओगे तो पहले 3 दिन आपको फिक्स्ड चार्ज लगेगा, ठीक है, नो चेंज। उसके बाद आपको एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब हर रोज माने थर्ड डे के बाद जितने भी दिन आप रखोगे आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, मतलब 7 दिन उसने बुक रखे और उसने कितना दिया, 27 रुपए। वाइल सूजी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन का उसको 21 रुपया उसने दिया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो आपको 2 वेरिएबल्स किसके बेसिस में मिलेंगे, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। सो लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज बी रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई। तो अब कंडीशन क्या बनी, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उसने 27 रुपए पे किए थे 7 दिन रखने पे,
सो टोटल डे था 7, टोटल इज इक्वल टू 7, उसमें से फिक्स्ड था 3, फिक्स्ड 3 था, तो एडिशनल कितना हुआ 4, 7 माइनस 3 4 बचा एडिशनल, देखो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो कंडीशन क्या बनेगी x प्लस 4y इज इक्वल टू रुपीज 27, क्योंकि एडिशनल चार्ज खाली 4 दिनों के लिए लगेगा, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट आपकी सेकेंड कंडीशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, 2y क्यों, क्योंकि शी केप्ट द बुक फॉर 5 डेज, तो एडिशनल डेज कितना हुआ 7 माइनस 5 दैट इज 2, 5 माइनस 3 दैट इज 2, क्योंकि शी केप्ट ओनली फॉर 5 डेज, टोटल इज 5 डेज एंड फिक्स्ड डेज आर व्हाट 3, सो बचा कितना 2, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, सेकेंड कंडीशन। एलिमिनेशन मेथड, x को एलिमिनेट कर दो क्योंकि सेम है, सो 1 इंटू 1 x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, 2 इंटू 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस। अभी तक आपको समझ जाना चाहिए कि साइन कहाँ चेंज करना है और कहाँ नहीं, 4 माइनस 2 इज व्हाट 2, 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 27 इज 6, y इज इक्वल टू 3, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 वेयर y इज इक्वल टू 3, सो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, कितना हुआ 16, x इज व्हाट 15, ठीक है, 21 माइनस 6 इज 15, सो फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे इज रुपीज 3, दैट इज y। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया, उसमें हमने प्रॉब्लम सम से इक्वेशन बनाना सीखा एंड एलिमिनेशन मेथड यूज किया, ठीक है, हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।